प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ ने पीएम पोषण एवं सांझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वचलित स्व सहायता समूहों की समस्याओं को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ ने निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महासंघ ने ज्ञापन में बताया कि रसोइयों का शासन द्वारा पोषण किया जा रहा है, इनके समूहों को कई समस्या आ रही है। शासन द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने के लिए समूहों को 5 से 6 रुपये प्रति छात्र, आंगनबाड़ी में भी 5 रुपये प्रति छात्र की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो वर्तमान महंगाई को देखते हुए बहुत कम है, एवं शासन द्वारा मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइयों को मात्र 2000 रुपये और आंगनबाड़ी में कार्यरत रसोइयों को मात्र 5000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। 15 सूत्री मांगों में निराकरण की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सहायता समूह महासंगठन की ओर से खरगोन जिले में जो ज्ञापन दिया है, ये जिले भर की सभी गाँव क्षेत्र और तहसीलों से माताएँ आई है, एक विकट समस्या लेकर आई है। कई सालों से मध्याह्न भोजन संचालित हो रहा है और केवल 2000 रुपये उन्हें मिल रहा है और आज महंगाई 7वें आसमान पर है। पहले तेल 50 रुपये किलो मिलता था, आज 140-150 रुपये है, 3 गुना महंगाई बढ़ गई है। लेकिन उन माताओं बहनों को आज भी वही तनख्वाह मिल रही है, आंगनवाड़ी में केवल 500 रुपये मिलते हैं। इसी के साथ साथ वो माताएं बहनें किसी आंगनवाड़ी में मात्र 1500 रुपये प्रति माह के डलते हैं। 1500 रुपये में अब वो एक गैस की टंकी भरवाएंगे जिसके 1100 रुपये हो गए हैं। पहले 350-350 रुपये में गैस का चूल्हा चलता था, आज वो 1100 रुपये में जल रहा है। 1500 रुपये में अगर उन्हें मिलता है तो वो गैस के चूल्हा जलाएंगे या किराना सामान वगैरह खरीदेंगे कि क्या करेंगे? तो हमारी शासन से यही अनुशंसा है, यही मांग है कि कृपया इन माताओं बहनों को उनका अधिकार मिले। दैनिक वेतन भोगी जो मजदूर हैं, जिन्हें प्रतिदिन का जो वेतन भत्ता मिलता है उसी के हिसाब से इन माताओं बहनों को भी वेतन मिले और इनको एक तरीके से पेंशन चालू हो। मेरा नाम कमल चलवानिया है। हमारी समस्या यह है कि वो जो हम बच्चों को समूह द्वारा मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसकी विगत राशि हमको 3 माह से ना ही राशन प्राप्त हुआ है और ना ही हमें राशि प्राप्त हुई है और ना ही हमें जो 2000 रुपये मानदेय दिया जाता है वो भी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम उसको लेकर यहाँ पर सभी महिला एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमको स्कूल में मेन्यू अनुसार भोजन देना ही पड़ता है। यदि हम मान लो मेन्यू अनुसार नहीं बनाते हैं तो सर वगैरह जो भी हैं वो हमें मतलब बोलते हैं कि आप मेन्यू अनुसार भोजन क्यों नहीं देते हो, और हमारे किराना दुकान पे भी काफी उधार हो चुका है। इसलिए हम सभी महिलाओं यहाँ एकत्रित हुए। हमारी मांगे है कि हमारी जो हमको जो मानदेय 2000 रुपये दिया जाता है उसको 5000 किया जाए और प्रति बच्चा जो हमें 4.47 रुपये माध्यमिक का दिया जा रहा है उसको 10 रुपये किया जाए और माध्यमिक शाला में हम 15 रुपये किया जाए और प्राइमरी का 10 रुपये प्रति बच्चा किया जाए। समस्या हल नहीं होती है तो आगे क्या और यदि हमारी समस्या यहाँ पर हल नहीं होती है तो हमारे द्वारा सभी महिलाओं भोपाल जाकर वहाँ पर आंदोलन धरना देंगे। चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव में भी हम अपनी मांगे रखेंगे, यदि हमारी मांगे मानी गई तो ठीक है, नहीं तो हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम संगीता सोनी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।